केमिकल यानी कि रसायन काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता होगा। अगर आपको भी लगता है तो आइए आपको रसायन के कुछ लाजवाब अजूबे दिखाते हैं, जिनके बाद आपको ये शायद ही कभी बोरिंग लगे। आप अगर शक्कर और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे तो कुछ अद्भुत चीज़ बनती है, काले रंग की। ये केमिकल रिएक्शन जितना अद्भुत है उतना ही सरल भी है। जब सल्फ्यूरिक एसिड शक्कर यानी शुगर से मिलता है तो शुगर डिहाइड्रेट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड शुगर पे अपनी पकड़ बना लेता है और शक्कर अपने पानी को छोड़ना शुरू करता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण होता है, जिसमें फिर धीरे धीरे अपने आप एक कृति ऊपर आना शुरू होती है और एक मीठा सा महक भी छोड़ता है, बिल्कुल कैरेमल की महक की तरह। अगले रिएक्शन के लिए ब्रोमीन और एसिड चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन है, इसमें ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन होता है इन्वॉल्व ब्रोमीन का, फिर उसे रिएक्ट करके अलग चीज़ से जो कि एसिड है, फिर उससे आराम से ये मिलाया जाता है। ये रिएक्शन से बनता है बहुत ही अलग और खूबसूरत रंग बदलने वाला सब्सटेंस, ऐसे लगता है कि यह आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। हॉट वाटर, विनेगर और बेकिंग सोडा। आपको पता नहीं होगा पर गर्म पानी बहुत ही अद्भुत केमिकल होता है, जिसे जब विनेगर को गर्म करके धीरे धीरे बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे तो सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है और ये फिर बाद में क्रिस्टलाइन होना चालू होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है। और जब किसी भी चीज़ के संपर्क में आता है ये, तो क्रिस्टलाइन रिलीज़ होना चालू हो जाता है। कोक का कैन और लिक्विड नाइट्रोजन। एक वैज्ञानिक को बड़ी जिज्ञासा थी कि कोक के कैन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने से क्या होगा। जैसे उन्हें लगा कि लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होने के कारण अंदर का कोक जम जाएगा, पर वो चौंक गए जब वो फूट के एक सख्त धातु बन गया। पर वो धातु कुछ और नहीं, कोक ही था जो फ्रीज हो गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे पिघल के वापस अपने फॉर्म में आ गया, जो कि कोक था। कॉपर और नाइट्रिक एसिड। कॉपर आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है, क्योंकि लगभग हर जगह ही कॉपर इस्तेमाल में आता है। जब कॉपर और नाइट्रिक एसिड मिलते हैं तो एक खूबसूरत रंग का रिएक्शन होता है। आसानी से कॉपर किसी भी चीज़ से जल्दी डाइल्यूट रिएक्शन फॉर्म नहीं होता, पर जब कॉपर नाइट्रिक एसिड से मिलता है तो अद्भुत रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड जब एक साथ मिलते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म में एक अजीब पेज ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलता है, जो काफ़ी खूबसूरत दृश्य होता है। इस रिएक्शन को मार्शमेलो रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि मार्शमेलो की तरह ही ये मुलायम दिखता है, और इसे एलिफेंट टूथपेस्ट भी कहते हैं।